कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। कविता है कब कहानी में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता ना, ऐसी कुछ कविता है मेरी। इट्स अबाउट अ मैन, सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अबाउट अ मैन जिसको मैं वर्ल्ड की सारी खुशियाँ भी दे दूँ तो मेरे लिए बहुत कम है शायद, जिनसे मैं 2 साल से नहीं मिली और शायद अब मैं कभी मिल भी नहीं पाऊँगी। दैट्स माई फादर। सो स्टार्ट द टाइटल ऑफ माई पोयम, पिता। जब मम्मी डांट रही थी तो कोई चुपके से हंसा रहा था, जब मैं सो रही थी तब कोई धीरे से मेरे सर पे हाथ फिरा रहा था, जब मैं सुबह उठी तो कोई बहुत थक कर भी काम पर जा रहा था, खुद को कड़ी धूप में काम कर कर कोई मुझे एसी में सुला रहा था। सपने तो मेरे थे पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई और बताए जा रहा था। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसती हूँ पर मेरी हंसी देखकर कोई और मुस्कुराए जा रहा था। खुश तो मुझे होना चाहिए कि वो मुझे मिले पर मेरे जन्म लेने की खुशी कोई और मनाए जा रहा था। ये दुनिया पैसों पे चलती है पर कोई सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पैसे कमाए जा रहा था। पेड़ तो अपना फल खुद नहीं खाते इसलिए हमें देते हैं, पर कोई अपना पेट खाली रख कर भी मेरा पेट भरे जा रहा था। मैं तो नौकरी के लिए घर से बाहर जाने पर दुखी थी पर मुझसे भी अधिक आंसू कोई और बहाए जा रहा था। मैं अपने बेटी शब्द का सार्थक बना सकी या नहीं पता नहीं पर कोई बिना स्वार्थ के अपने पिता शब्द का सार्थक बनाए जा रहा था, वे थे पापा। एंडिंग विद शायरी। मुझे मोहब्बत है अपने माथे की लकीरों से, ना जाने रब ने क्या आजमाया था, उस दरमियाँ जब धरती पर पहला कदम पाया था तब एक फरिश्ता अपने पास पाया था, ना जाने कौन सी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया था, जिन्होंने रखा मुझे छांव में मैंने उन्हें धूप में जलते पाया था, एक ऐसा फरिश्ता मैंने पिता रूप में पाया था। थैंक यू।